अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन लैब यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ सबका दोस्त अली और हाजिर हूँ एक नई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेमिंग वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, द वॉर की सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ टाइम से, तो आज भी हम द वॉर को ही खेलेंगे और उसके अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम एमओ चैलेंज के बारे में बात करने वाले हैं। द वॉर के अंदर एक चैलेंज मैप है जिसका नाम है एमओ चैलेंज। तो आज की वीडियो में आपको वही सिखाऊंगा कि आपको कैसे उसको क्रॉस करना है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से, तो आज की इस वीडियो में मैं उसी के ऊपर एक गाइड या एक ट्यूटोरियल वीडियो आप कह सकते हैं एमओ चैलेंज के ऊपर। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे कैमरे को यूज़ कर सकते हैं और कैमरा को यूज़ करते हुए आप कैसे एमओ चैलेंज को क्रॉस कर सकते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर पर हम वाटर चैलेंज की भी बात करेंगे और भी जैसे कि हमने मैप रिव्यू भी शुरू किया था, तो आगे और भी जो मैप्स हैं रह गए हैं उनको भी मैं जरूर रिव्यू करूंगा। तो सबसे पहले आज तो हम बात करते हैं एमओ चैलेंज के बारे में, तो द वॉर को ओपन कर लेते हैं। द वॉर ओपन हो चुकी है, मैं इसको लॉगिन कर connecting the server, please wait, logging in, loading map, safe zone, welcome to the war, if you like the game, please. अब द वॉर में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद आपने एक्स दबाना है और एमओ चैलेंज देखना है। एमओ चैलेंज है वो 10-0-0 पे है, तो अब 10-0-0 पे चलते हैं। Safe zone, ammo line challenge. टी प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको एक मैसेज शो हो जाएगा कि जब आप चैलेंज को कंप्लीट करेंगे तो आपको कुछ एमोज मिलेंगे स्नाइपर के या गिफ्ट के। तो अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपनी ऑटो वॉकिंग ऑफ कर लेनी है। डिसेबल करने के बाद आपको कैमरा यूज करना है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बैठ जाएं एस से, ताकि आप गिरे ना कैमरा यूज करते हुए। यहाँ पर अब आपको कैमरा यूज करना है। कैमरा यूज करने के लिए जी प्रेस करके रखना है, उसके अलावा अप एरो, उसके बाद आप प्रेस करेंगे और एफ अप एरो से आपको जो है वो टाइल ढूंढनी है। जैसे कि जी प्रेस करने के बाद आपने राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो और डाउन एरो से ढूंढना है कि नेक्स्ट जो टाइल है वो कहाँ है, और जहाँ पर भी आपको टाइल मिलेगी आपने वहाँ पर जंप करना है। जैसे जी प्रेस करना है, मैंने यहाँ पर 5 बार प्रेस किया तो यहाँ पर टाइल की आवाज़ आई, तो यानी कि मुझे 5 बार अब जंप करना होगा। अब मैं जंप करता हूँ 5 टाइल्स। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो अब आगे देखते हैं। इसी तरह से जी प्रेस करते हुए आगे आपको रास्ता ढूंढना है। मुझे रास्ता पता है। अब यहाँ से 3 टाइम्स जो है वो आपको राइट जाना है, तो 3 टाइम्स राइट करेंगे कुछ इस तरह से। अब जो रास्ता है वो पीछे, यहाँ से आपको डायरेक्शन चेंज करने पड़ेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ नॉर्थ से अपनी डायरेक्शन चेंज ना करें। अब स्पेस प्रेस करते ही आपको जो है 2 बार डाउन एरो और 2 बार राइट एरो प्रेस करना है। जैसे कि अगर हम कैमरा से भी इसको देखें तो 2 बार डाउन एरो और 2 बार राइट एरो करेंगे तो ये आ जाएगा। और अब मैं अगर पेज डाउन प्रेस करूँ तो यहाँ पर ये नीचे सीढ़ियाँ हैं, तो आप स्पेस के साथ 2 बार डाउन एरो और 2 बार राइट एरो करते हैं। यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंस है, काफ़ी लोग चैटिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए सॉरी, मैं इनको रोक नहीं सकता। पर अब हम पेज डाउन प्रेस करते हैं और नीचे चलते हैं। तो नीचे आने के बाद अब आपको राइट एरो से आगे जाना है 5 टाइल। और 3 टाइल आपको पीछे आना है। आप कैमरा से साथ रास्ता भी चेक कर सकते हैं। तो 6 टाइल राइट की तरफ आगे रास्ता है। तो यहाँ पर आप आ चुके हैं, अब आपको आगे जाने का रास्ता देखना है। तो यहाँ से 2 टायर जो है वो राइट है। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं रास्ता कहाँ है। तो यहाँ से अब आगे आपको जंप करना है। जैसे कि 5वें टायर पे आगे रास्ता है, तो अब आपको 5 टायर आगे जंप करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जंप किया तो मैं आ गया हूँ, यहाँ पर मैं आ गया। अब यहाँ से जो है आपको आगे जाने का रास्ता देखना है। तो अब नीचे चलते हैं, नीचे हमें जाना है। यहाँ से पेज डाउन से आप नीचे जा सकते हैं। अब 1 टाइल आगे है, 1 टाइल अपर समय, 1 टाइल आगे आ गया। अब फिर से 1 टाइल नीचे है, तो पेज डाउन प्रेस करूँगा। अब यहाँ से आगे जाना है, कैमरा से आपको देखना है, वरना आप नीचे अगर गिरे तो आप यहीं से मर जाएंगे। अब यहाँ से नीचे है, फिर काफ़ी सारा लंबा रास्ता है, तो नीचे चलते हैं। लेकिन ध्यान से आपको जाना है, अगर आप 1 टाइल भी ऊपर नीचे हो गए तो आप चले जाएंगे। कैमरा से देख देख के आपको जाना है।
कैमरा को नीचे भेजने के लिए पेज डाउन और ऊपर भेजने के लिए पेज अप, और वो इसी तरह खुद भी नीचे New आने option के लिए पेज from डाउन और ऊपर जाने के लिए पेज अप। तो यहाँ मैं आ गया बिल्कुल नीचे। अब इससे नीचे जो हवा, ये जो साउंड आपको सुनाई देगा ये वाला, ये फायर वाली टाइल है। अगर आप इस पे जंप कर, अब इस पे अगर आपने कदम रखा तो आप डायरेक्टली जो आपका प्लेयर वो मर जाएगा। अगली जो टाइल है वो 5 टाइल अप है और 2 टाइल्स राइट है। आप उसको कैमरा से देखें तो 5 टाइल 5 बार अप एरो और 2 बार राइट एरो। तो अब मैं यही प्रेस करता हूँ स्पेस दबाने के बाद और ये मैं यहाँ पर लैंड हो गया मेरा प्लेयर जंप करके। फिर से यहाँ से मुझे नीचे जाना है, नीचे काफ़ी लंबा रास्ता है। अब पहले यहाँ से आपको बिल्कुल नीचे आना है। मैं आपको आसान इसका आइडिया देता हूँ। सबसे पहले आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है, जब फायर वाली टाइल हो तो यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ से नीचे आपने और नहीं जाना, वरना आपका प्लेयर बिल्कुल मतलब उसका काम तमाम हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आपने 5 टाइल ऊपर जाना है, मतलब बिल्कुल नीचे आने के बाद आपको 5 टाइल ऊपर जाना है। तो यहाँ से आपको आगे सीधा रास्ता मिलेगा, अप एरो से आप जाएंगे, पहले कैमरा से आप चेक भी कर लें, उसके बाद अप एरो से आप आगे जाएं। यहाँ पर ये मैं यहाँ पर आ गया। अब नीचे 5 टाइल तक नीचे जाना है, कैमरा से आप साथ साथ चेक करते रहिए वरना काम तमाम। अब यहाँ से राइट को आगे रास्ता है तो राइट चलते हैं। अब यहाँ पर आ गया प्रेस टी टू कंटिन्यू, तो टी प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आ गया वाओ नाइस। अब फिर से आगे राइट की तरफ रास्ता है 5 टाइल राइट। पहले मैं कैमरा से रास्ता चेक करता हूँ, उसके बाद ही मैं वहाँ पर जाता हूँ। आपको पहली बार में भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसको बहुत बार कर चुका हूँ तो मुझे रास्ता काफ़ी हद तक याद है। यहाँ पर आ गए, अब 5 टाइल राइट की तरफ जंप है, ये आ गए यहाँ पर। अब देखते हैं आगे रास्ता कहाँ है। अब नीचे जाना है हमें, बिल्कुल अभी बचा हूँ मरते मरते, अगर मैं और 1 टाइल भी नीचे चला जाता तो काम तमाम हो जाता। तो अब यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना है। अब यहाँ पर 1 टाइल जो है वो मतलब एक सिंपल टाइल है और एक जो टाइल है वो फायर की है। जैसे ये फायर की है, ये आपकी सही टाइल है, ये फायर है, ये टाइल है, ये फायर है और ये फिर से टाइल है। तो अब आपको केयरफुल रहना होगा, आपको दो दो स्टेप्स के जंप करने होंगे ताकि फायर को क्रॉस करके आप सीधा उस पर लैंड करें, और स्पेस प्रेस करते एक साथ ही आपको वो प्रेस नहीं करना है, यानी कि अपर प्रेस नहीं करना, स्पेस प्रेस करने के कुछ मिली सेकेंड्स के बाद आपको अपर प्रेस करना है। मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ, स्पेस प्रेस करने के थोड़े से टाइम के बाद मैंने यहाँ पर अपर प्रेस किया 2 बार ताकि मैं 2 टाइल्स आगे जाकर जंप करूँ, मतलब 2 टाइल्स आगे मैं जंप करूँ। क्योंकि अगर मैं एकदम से अपर प्रेस कर दूंगा तो जंप से पहले ही वो आगे चला जाएगा और आगे फायर की टाइल है, इस वजह से वो मर जाएगा प्लेयर। तो फिर से जंप करते हैं, जंप स्पेस और 2 टाइल्स अपर। अब आगे भी इसी तरह से हैं, काफ़ी सारे हैं, दो दो टाइल्स का जंप है यहाँ पर, बीच में फायर की टाइल है तो आपको केयरफुल रहना है जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर जो है वो एंड हो चुकी हैं फायर वाली टाइल्स, आगे फायर है लेकिन आगे अब टाइल जो है वो थोड़ा सा दूर है। अभी आपको 5 टाइल्स राइट और 3 टाइल्स अप यानी कि जंप करना है, यानी कि स्पेस प्रेस करने के बाद 5 टाइल्स राइट करो, 5 बार राइट करो और 3 टाइम्स जो है आपको अप करना है, तो आप जो नेक्स्ट टाइल पर लैंड कर जाएंगे। आप कैमरा से चेक करेंगे तो यहाँ पर ये टाइल है, तो अब हम चलते हैं जंप करते हैं। यहाँ पर लैंड हो गया हमारा प्लेयर, अब आगे चलते हैं देखते क्या को जाना है। अब यहाँ पर काफ़ी नीचे मतलब काफ़ी सारा रास्ता है, तो चलते हैं नीचे, बहुत नीचे जाना है आपको, काफ़ी सारे टाइल्स हैं नीचे। यहाँ पर बिल्कुल नीचे जब आप आ जाएं तो अब आपको राइट की तरफ जाना है, 70, 60, 180. और यहाँ से आपको टाइल्स भी चेक करनी है, 74, 60. और आपको 75 पे आना है, यानी कि आपकी जो 75, 60, 180 आपकी लोकेशन होनी चाहिए, तभी आपको आगे का रास्ता मिलेगा। यहाँ पर अगर आप कैमरा से राइट और ऊपर देखेंगे तो आगे टाइल्स हैं, 6 टाइल्स आगे भी है, लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा, तो आपको 75 पर आना है, उसके बाद जी से आपको रास्ता देखना है कैमरा से।
तो 10 टाइल्स का एक बड़ा जंप है। आप चाहें तो आप जी स्पेस प्रेस करने के बाद 10 टाइम अप एरो भी प्रेस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ऑटोमेटिक वॉकिंग को ऑन करें, ऑटो वॉकिंग को यहाँ पर कुछ देर के लिए ऑन करें और स्पेस के साथ आप अप एरो को प्रेस करके रखें तो ये वहाँ पर लैंड हो जाएगा। जैसे कि मैंने ऑटो वॉकिंग ऑन किया, अब मैं जंप करता हूँ, ये मैं यहाँ पर आ गया। अब ऑटो वॉकिंग को आप डिसेबल कर दें वरना आगे आपके लिए मसला हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, जितने टाइल्स हैं यहाँ पर आ गया। कैमरा से आपको देखना है, अब राइट है आगे, तो मैं राइट चलता हूँ। यहाँ पर सीधी ही टाइल्स हैं तो अभी जंप की ज़रूरत नहीं है, जब जंप आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिर से काफ़ी ज़्यादा टाइल्स हैं नीचे, यहाँ पर आ गए। अब आपको आगे जाने के लिए जो है वो 5-5 टाइल्स के जंप्स हैं। जैसे कि आप कैमरा से इसको चेक करेंगे तो जी प्रेस करने के बाद मैंने 5 बार अप एरो प्रेस किया, यानी कि कैमरा को मैंने आगे देखा अपने सामने। और यहाँ पर आपको उसको पेज डाउन से भी नीचे करके देखना है, क्योंकि मे भी कोई टाइल है जो नीचे हो तो वो आपके बिल्कुल सामने नहीं होगी, मे भी उसकी हाइट जो है वो नीचे हो तो आपको वो उस तरह नहीं मिलेगी, तो आपको पेज डाउन से भी इसको देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कैमरे को आगे भेजूँ 5 टाइल तो, और 5 बार ही मैं पेज डाउन प्रेस करूँ तो सामने एक टाइल है लेकिन वो नीचे है। तो अब आपको 5 बार अप एरो ही जंप करना है, स्पेस के बाद 5 बार आपको अप एरो ही दबाना है, डाउन नहीं दबाना, क्योंकि नीचे वो खुद ही चला जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो अब हम जो है वो जंप करते हैं। तो आगे अब इसी तरह से 5-5 टाइल्स के जंप है, यानी कि अब जैसे 5 टाइल्स आपने जंप किया तो अब 5 टाइल्स जो है आपको राइट करना है जंप इस तरह से। कैमरा से आप देख भी सकते हैं, मुझे पता है तो मैं बार बार देख के टाइम भी ज़्यादा कर रहा हूँ। अब फिर से 5 टाइल्स अप का जंप है, यानी कि सामने 5 टाइल्स का जंप है। अब फिर से 5 टाइल्स राइट का जंप, यहाँ पे आ गए। फिर से 5 टाइल जो है वो सामने का जंप है। आप कैमरा से इसको देख कर ही आइएगा, ऐसे मत आइएगा वरना मसला हो सकता है। अब फिर से 5 टाइल्स राइट, अब फिर से 5 टाइल्स अप है मेरे ख्याल से। फिर से 5 टाइल्स सामने का जंप है। आप कैमरे से इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं तो मुझे क्योंकि काफ़ी याद हो गया तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो अब फिर से 5 टाइल्स राइट का जंप है और ये लास्ट जंप है। यहाँ पर मैं लैंड हो गया। अब यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपसे कहेगा कि प्रेस टी टू गेट रैंडम स्ट्रॉन्ग स्नाइपर एमोस। तो यहाँ पर आपका चैलेंज है वो कंप्लीट हो चुका है, बस आपको टी प्रेस करना है और आपको सेफ जोन में भेज देगा, और जो आपका आपको जो एमोस का गिफ्ट है वो भी मिल जाएगा। आपको मुझे अभी जो है यहाँ पर एक स्नाइपर पैक मिला, ये रैंडम होते हैं टोटली, आपको कभी एक मिल सकता है, 1 से लेकर 10 तक आपको कोई भी अमाउंट नहीं एमो पैक मिल सकता है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक मिला मुझे अभी, तो ये टोटली डिपेंड करता है, चेंज भी हो सकता है। यही था आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।